नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल IAS Prep पर। आज की तारीख है 6 अक्टूबर 2020 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। आज के डेली 30 में जो टॉपिक है वो साइंस का टर्म होता है। साइंस के अंतर्गत आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक में आप जैसे विकिरण पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, परावैगनी तरंगों पे, एक्स किरणों पर, गामा किरणों पर, इन सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। इस तरीके के प्रश्न होंगे और ये एग्जाम की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट ही है। साथ में करंट अफेयर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। करंट अफेयर के भी हम 10 प्रश्न यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो 20 और 10 30 प्रश्नों को आज भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के डेली 30 को और लेते हैं पहला प्रश्न। पहले करंट अफेयर को ही हम देखने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, चारधाम परियोजना में 889 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के साथ साथ उनका सुधार भी शामिल है, यानी कि उनका विकास तो किया जाएगा साथ में उनके सुधार की भी बात की गई है। वहां पर जो मार्ग है उनके सुधारों की भी बात की गई है, तो पहला ये सही है। और ये परियोजना बद्रीधाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो मार्ग जाते हैं उन मार्गों को ये कनेक्ट करेगी, जोड़ेगी। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये सही है। चार धाम परियोजना के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने चारधाम सड़क परियोजना के निष्पादन में न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया था, इसलिए चर्चा में आई है। निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें, चुनाव आयोग ने डाक मतपत्र के लिए नए नियमों की घोषणा की है, नए नियम बनाए हैं, पहला सही है। नियमों का लक्ष्य 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और विकलांग लोगों के लिए मतदान प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाना है। दूसरा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर 18 वर्ष नहीं 80 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं, 18 वर्ष से ऊपर तो ठीक है मत देने की आयु होती है, लेकिन यहाँ पर जो ये बनाया गया है ये 80 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं उनके लिए, तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कई लोगों का कहना था रेड कलर अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए इसको सादा किया गया है। पोस्को अधिनियम का संबंध है किससे? पोस्को अधिनियम के बारे में आपको पता है या नहीं पता है आप जान लीजिए। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ठीक है ना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। पोस्को अधिनियम 2012 में, ये जो है पोस्को अधिनियम 2012 का है, इसमें बच्चों के हित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने के लिए इसको लाया गया था, ये लागू किया गया था। तो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण इसका विषय है, संबंध है, इसी से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जू संक्रमण चावल में एक गंभीर बैक्टीरियल पत्ता पाला रोग का कारण बनता है, और दूसरा है जू संक्रमण विषाणु से उत्पन्न होता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और दूसरा स्टेटमेंट इसलिए नहीं सही है, पहला तो यहाँ पे ये सही है, पहला ये सही है, दूसरा स्टेटमेंट जो है ये सही नहीं है, दूसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है न कि वायरल, ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसका संबंध किससे है? चावल से, ध्यान रखिएगा। पश्चिमी घाट में पौधों की दो नवीन प्रजातियों की खोज की गई है, वे हैं कौन से पौधे हैं? एरियोकोलोन परविसेफालम और एरियोकोलोन करावलेंस, ये दो हैं, यही दोनों जो नवीन प्रजातियां हैं जिनको खोजा गया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और ये जो मतलब खोजी गई हैं प्रजातियां, या एक पाइपवर्ट पौधा समूह है जो मानसून के दौरान उन छोटी अवधि में ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, उन्हीं के ये सदस्य हैं, ठीक है। अटल टनल के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। अटल टनल का हाल ही में उद्घाटन किया गया, बिल्कुल सही है, अटल टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में निर्मित यह सुरंग 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, यह भी सही है। और BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 9.02 किलोमीटर लंबी यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, विश्व की सबसे लंबी, भारत की ही नहीं। तो तीनों यहां पर सही है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इससे मनाली और लेह के बीच की जो दूरी है, मनाली और मनाली से आप जाना चाहते हैं लेह, तो मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर की और यात्रा समय में लगभग 4 से 5 घंटे की कमी होगी, यानी कि दूरी में 46 किलोमीटर की और यात्रा के उसमें जो कमी होगी वो कितनी हो जाएगी? 4 से 5 घंटे की कमी हो जाएगी। पहाड़ी क्षेत्रों में जो यात्राएं होती हैं वो बहुत दुष्कर होती हैं, बहुत कठिन होती हैं। अगला प्रश्न है, न्यू कैलेडोनिया जीलैंड का भाग है, और दूसरा है न्यू कैलेडोनिया को 1946 में विदेशी क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन 1998 में नौमेया समझौते के परिणाम स्वरूप इसे 1999 में एक विशेष दर्जा प्राप्त हुआ, वैधानिक विशेष या वैधानिक मूल का दर्जा इसको प्राप्त हुआ।
तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है न्यू कैलिडोनिया के बारे में। जी लैंड का भाग है ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और न्यू कैलिडोनिया के बारे में जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी सही है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू कैलिडोनिया ने एक जनमत संग्रह के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता को अस्वीकार करते हुए फ्रांसीसी बने रहने का निर्णय लिया है, इसलिए इस पे चर्चा हो रही है। वहां पे एक जनमत संग्रह कराया गया तो वो फ्रांसीसी वो बना रहेगा, ऐसा निर्णय लिया गया है। और न्यू कैलिडोनिया जो ये स्थान है, न्यू कैलिडोनिया जो है ये कहाँ पर, ये द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो ये हिंद महासागर में यहाँ पर दिया है, जबकि ये है कहाँ, दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में, साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में ये स्थित है। तो दूसरा गलत पहला सही, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का ईसाइयों का सबसे पवित्र शहर है जो ईरान में स्थित है। मक्का ईसाइयों का पवित्र शहर है ये भी गलत है, और ये ईरान में स्थित है ये भी गलत है। तो पहला तो गलत है क्योंकि ये मुस्लिम्स का, इस्लाम का पवित्र शहर है और ये सऊदी अरेबिया में स्थित है। यह हजाज क्षेत्र में स्थित है जो 200 किलोमीटर की एक विस्तृत पर्वतीय पट्टी है जो अन्नफूद रेगिस्तान को लाल सागर से पृथक करती है। ये सही है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर ये सही है। मक्का तीर्थस्थल अभी बंद चल रहा था लॉकडाउन के समय से, जब से कोरोना महामारी फैली थी, अब इसको खोलने की बात की जा रही है। कारपैट, ना भारत और किस देश के बीच में सैन्य अभ्यास है, तो कारपैट जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में ये सैन्य अभ्यास है, और ये भारत बांग्लादेश समन्वित गश्ती, इसको कारपैट जो बोल रहे हैं, अभ्यास के तहत दोनों देशों की नौ सेनाओं को अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ गश्त लगाने का अभ्यास करेंगे भारत और बांग्लादेश की जो सेनाएं हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए टॉपिक पर आते हैं, टॉपिक के 20 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। अवरक्त किरणों का उपयोग सुदूर तक सिग्नल भेजने में किया जाता है, और अवरक्त किरणों का उपयोग अस्पतालों में रोगियों की सिकाई करने व कोहरे में फोटोग्राफी करने में भी किया जाता है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, अवरक्त किरणों के बारे में सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवरक्त किरणें यानी कि इंफ्रारेड जो है, ये युद्ध काल में इन किरणों का उपयोग दूर दूर तक सिग्नल भेजने में किया जाता है। आप ये समझिएगा कि ये अवरक्त किरणें जो होती हैं, इंफ्रारेड जो होती हैं, वो छोटी दूरी में जाती हैं, ऐसा नहीं है, ये सुदूर तक सिग्नल भेजने में प्रयुक्त होती हैं, और फोटोग्राफी में भी, और कोहरे में फोटोग्राफी करना हो तो इसका उपयोग, अस्पतालों में रोगियों की सिकाई के लिए भी इसका उपयोग होता है। कौन सी किरणों की वेधन शक्ति अधिक होने के कारण ये घने कोहरे व धुंध के पार निकल जाती है, तो ये अवरक्त किरणें ही है। इनकी जो वेधन शक्ति है बहुत ज्यादा होती है, हाई स्ट्रेंथ की होती है, ठीक है, इसी कारण से ऐसा संभव हो पाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें, दिस विकिरण विजिबल रेडिएशन की खोज न्यूटन ने की थी, पहला स्टेटमेंट, और दूसरा है दिस विकिरण के स्रोत सूर्य, तारे, ज्वाला, बल्ब, आर्क लैंप, ये सब हो सकते हैं, ये सब है इसके, तो इसकी खोज न्यूटन ने की थी, ये सही है। विजिबल रेडिएशन जब भी पूछा जाए तो न्यूटन ध्यान रखिएगा, और इसके स्रोत ये आर्क लैंप भी हो सकते हैं, बल्ब भी हो सकते हैं, विद्युत बल्ब, केवल ऐसा नहीं कि नेचुरल चीजें ही हो सकती हैं, ये सब हो सकते हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, परावैगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेज की खोज विलियम हर्सेल ने की थी जो, और दूसरा है परावैगनी किरणें सूर्य के प्रकाश, विद्युत विसर्जन, निर्वात, स्पार्क आदि से उत्पन्न होती हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है। पहले पे आप बात करिए और इसको सोचिए, क्या विलियम हर्सेल ने इसकी खोज की थी? इसकी खोज रीटर ने की थी, इसकी खोज जो है वो रीटर ने की थी। तो पहला ये गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, इसलिए बी उसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है ना। इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है 10 से 8 मीटर से लेकर 10.7 मीटर तक, मतलब ये इस तरीके से होती है, मतलब सॉरी, ये 10^-8 मीटर से लेके 10^-7 मीटर, ये इसके बीच में इनकी तरंग दैर्ध्य होती है। अगला जो प्रश्न है, एक्स किरणों की खोज डब्ल्यू के रोडजन ने की थी। एक्स किरणों की खोज रोडजन, कई बार पूछा गया है, उनका पूरा नाम डब्ल्यू के रोडजन था, तो इन्होंने की थी, पहला सही है। और एक्स किरणों का प्रयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में होता है। एक्स किरणें जो होती हैं ये दोनों क्षेत्रों में, चिकित्सा क्षेत्र में भी, औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तरंग दैर्ध्य बहुत कम होने के कारण गामा किरणों में अत्यधिक ऊर्जा होती है। तरंग दैर्ध्य कम है इसलिए ऊर्जा ज्यादा होती है, बिल्कुल सही है। एनर्जी और जो वेवलेंथ है इसमें इनवर्स रिलेशन होता है। और दूसरा स्टेटमेंट यहां पर है कि गामा किरणें लोहे की चादरों को पार नहीं कर सकती हैं। तो गामा किरणें लोहे की चादरों को पार कर सकती हैं क्योंकि इसमें क्या होती है, अत्यधिक ऊर्जा होती है,
तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो गामा किरणों की खोज हेनरी बैकुरल ने की थी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और इनका तरंगदैर्ध 10^-14 मीटर से लेके 10^-10 मीटर तक होता है। अगला जो प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में लाल रंग से लेकर बैंगनी रंग तक के दिखाई पड़ने वाले स्पेक्ट्रम को विजिबल स्पेक्ट्रम या दृश्य स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही है, दृश्य स्पेक्ट्रम में सबसे लंबी तरंगदैर्ध्य बैंगनी रंग की होती है। इसमें विबग्योर का फार्मूला आपको पता होगा, बैंगनी रंग तक के दिखाई पड़ने वाले स्पेक्ट्रम को ही दृश्य स्पेक्ट्रम कहा जाता है, और दृश्य स्पेक्ट्रम में सबसे लंबी तरंगदैर्ध्य लाल रंग की होती है। विबग्योर लास्ट में आ रहा है, उसकी तरंगदैर्ध्य सबसे लंबी होती है और सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य होती है बैंगनी की। यानी कि जो विबग्योर फार्मूला होता है, विबग्योर में ये यहां बैंगनी से शुरू हो रहा है, तो ये तरंगदैर्ध्य के मामले में इधर से इधर बढ़ोतरी होती है वेवलेंथ के मामले में, तो ये गलत है, आर की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना, रेड की। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, प्रकाश तरंगे उसमीय विकिरण, एक्स तरंगे, एक्स किरणें और रेडियो तरंगे इत्यादि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इसमें कोई दो राय है, ये सारी विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण है, और विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल स्पष्ट याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल प्रकाश की चाल से कम नहीं होती है, है ना। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा ध्यान रखिएगा, इनकी जो चाल है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है, तो दूसरा गलत है। 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से ये चल सकती हैं। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ये निर्वात में चल सकती है, इसके लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ये वैक्यूम में चल सकती है, ध्यान रखिएगा, वैक्यूम में ये निर्वात में चल सकती है। तो पहला स्टेटमेंट तो ये गलत है, और दूसरा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्वात में भी संचरण हो सकता है, तो दूसरा सही है, यही दिया ही हुआ है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा असुमेलित है? माध्यम ध्वनि की चाल 0°C तापमान पर मीटर प्रति सेकंड में, तो वायु की 332 सही है, और अल्कोहल 1213 ये भी सही है। ध्वनि की चाल इसमें अल्कोहल में 1213 मीटर प्रति सेकंड होती है, वायु में 332 होती है, कांच में 5640 होती है, 5640, लोहे में 130 दिया हुआ है, लोहे में 5130 मीटर पर सेकंड होती है, तो ये लोहे वाला गलत है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदैर्ध्य तरंगे केवल ठोस माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती हैं, केवल ठोस माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है। पहला, क्या ये सही है? अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है वो सभी माध्यमों में उत्पन्न हो सकती है, है ना, जो भी माध्यम है, ठोस, द्रव, तरल, गैस, सब में ये उत्पन्न हो सकती है, तो पहला गलत है। वायु में उत्पन्न तरंगे, भूकंप तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे इत्यादि सभी अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, तो दूसरा ये सही है, चाहे वायु में तरंग उत्पन्न हो, चाहे भूकंप में, चाहे स्प्रिंग में, तो ये सब अनुदैर्ध्य तरंग होती है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस माध्यमों में एवं द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती है, तो अनुप्रस्थ तरंगों के बाद में आप बारे में आप ध्यान रखिएगा, ट्रांसवर्स वेव जो होती है, ये पहला सही है, केवल ठोस माध्यमों एवं द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती है। अनुप्रस्थ तरंगे द्रवों के भीतर एवं गैसों में भी उत्पन्न की जा सकती है, अनुप्रस्थ तरंगे द्रवों के भीतर एवं गैसों में भी उत्पन्न की जा सकती है, अलग से दिया जा रहा है, तो जब यहां पर केवल लगा तो रीजनिंग का प्रश्न हो गया, अगर केवल ये सही होगा तो ये गलत हो जाएगा, अगर ये सही है तो पहला गलत हो जाएगा, तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखिएगा, इसको रटे रहिएगा। अगला जो प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है, किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को प्रकाश कहते हैं। कोई भी जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ किसी कारक से, उसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया जो होती है उसको प्रकाश कहा जाता है, ये कह रहे हैं। और दूसरा है, जब कंकड़ शांत पानी में प्रवेश करता है तो वह पानी के कणों या अणुओं की गति, पानी के कणों या अणुओं को गति में ले आता है, तो दूसरा तो सही है, आप कंकड़ फेंक के देखे होंगे, जरूर ये काम आपने किया होगा। जो तरंग यहां पर दिया हुआ है, तरंग की मतलब ये विक्षोभ को आगे बढ़ने की प्रक्रिया को प्रकाश कहते हैं। विक्षेप को आगे जो बढ़ने की प्रक्रिया होती है विक्षेप के, तो आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है इसको तरंग गति कहते हैं, ना कि प्रकाश कहते हैं। प्रकाश क्यों कहेंगे, इसको क्या कहते हैं, वेव मोशन कहा जाता है, वेव मोशन इसको कहा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा, गलत दिया ही हुआ है ये,
तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न, तरंग ऊर्जा या विक्षोभों के संचरण की वह विधि है, तरंग ऊर्जा या विक्षोभों के संस्करण की वह विधि है जिसमें माध्यम के कण अपने स्थान पर ही कंपन करते हैं। क्या तरंग, तरंग जो है ऊर्जा या विक्षोभों की, यहाँ पे कॉमा लगाइए तब सही होगा, तरंग जो है ऊर्जा या विक्षोभों के संचरण की वह विधि है जिसमें माध्यम के कण अपने स्थान पर ही कंपन करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है, तरंग के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, कुछ भी हो रहा है तो एनर्जी का ट्रांसफर ही होता है। अगर कोई भी घटना इस पूरे ब्रह्मांड में घटती है तो उसका हेतु होता है एनर्जी का ट्रांसफर करना, बिना एनर्जी के तो कुछ हो नहीं सकता है। तो दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में 1 डिग्री तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है, यानी कि वायु में अगर इतना तापमान बढ़ेगा तो उसकी चाल इतनी बढ़ जाएगी, ये बिल्कुल सही है, याद रखिएगा 0.61 मीटर प्रति सेकंड ये बढ़ेगी। दूसरा है, आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाने के कारण ही बरसात के मौसम में आवाज हमें बहुत दूर तक सुनाई देती है, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, बरसात के मौसम में आप धीमे से भी बोलेंगे या तेज से चिल्ला के बोलेंगे, जैसे भी हो, तो उसकी पहुंचने, आवाज पहुंचने की जो दूरी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आर्द्र वायु होती है, ठीक है, तो इसी कारण से ऐसा होता है। तो दूसरा सही है, पहला भी सही है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ध्वनि के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं आता है, जबकि इसकी चाल तथा तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हो गई तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं चेंज होगी, आवृत्ति नहीं चेंज होती है, बदलाव नहीं आता है, और इसकी चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, चाल तो बदलेगी, तरंग दैर्ध्य भी इसीलिए बदल जाएगी, तो पहला सही है, ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करती है, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ध्वनि की जो चाल है वो ताप, दाब और आर्द्रता पर निर्भर करती है, ना कि आवृत्ति पर निर्भर करती है, तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक द्रव, ठोस, गैस, निर्वात, तो ये ठोस में होता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, वायु की तुलना में द्रव तथा ठोसों में प्रत्यानयन बल कम होता है, तो वायु की तुलना में द्रव और ठोसों में जो प्रत्यानयन बल है, कंपनसेशन फोर्स है, वो ज्यादा होता है, कम नहीं होता है, तो पहला गलत हो गया, द्रवों तथा ठोसों में ध्वनि का वेग वायु में ध्वनि के वेग से अधिक होता है, दूसरा तो सही है, पढ़ के देखिए, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप BEO RO मेंस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप व्हाट्सएप करिए 6307281212 पर, 11 अक्टूबर के बाद PCS प्रीलिम्स के बाद में ये बैच स्टार्ट होगा, कोर्स स्टार्ट होगा, इसकी बारे में जानकारी आपको अगर लेनी है तो 6307281212 पर संपर्क करके, व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें, ध्वनि का वेग माध्यम की प्रकृति तथा घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है, क्या किस प्रकृति का माध्यम है और उसका घनत्व क्या है, इस पर निर्भर करेगा, पहला सही है। हमेशा जब ऐसे प्रश्न आए तो आप उसके उदाहरण ढूंढिए कि कैसे, कहां पर आपने ध्वनि का वेग महसूस किया है, लकड़ी पे आप मारेंगे, स्टील पे मारेंगे, तो किस पे ज्यादा होगा। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उत्पत्ति कंपित वस्तुओं से होती है, तो ये जो हम बोल रहे हैं ये कंपन के कारण ही ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तो हम आप जो भी बोलते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे अंदर ऐसा कुछ है स्पेशल लगा हुआ है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कैसा लगता है आपको ये डेली 30, जरूर बताएं। आप लोग अंतिम समय में जो भी परीक्षा दे रहे हैं उसमें बार बार प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके उसको कर सकते हैं, आपके पास जो पुराने पेपर है उसको लेके कर सकते हैं, कैसे भी है खूब प्रैक्टिस करके जाए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। हाँ, एक चीज और है, हमको जो मंडे को टेस्ट हुआ था, कल मैं उसको संडे को जो टेस्ट हुआ था डिस्कस करना भूल गया था, टॉपर का नाम जो है वो हमको यहाँ पर बताना है, तो हर बार की तरह वंदना ने फिर से टॉप किया है, पता नहीं कैसे ये टॉप कर जाती है, इतनी एक्यूरेसी ये लाती कहाँ से है। तो इन्होंने 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 69 इनके करेक्ट हुए, 6 इनकरेक्ट हुए, 89 मार्क्स के साथ इनका फर्स्ट, और सेकंड पे देखिए रामचंद्र है, तो फर्स्ट रैंक तो इनकी हो गई, सेकंड पे रामचंद्र की है 80 मार्क्स के साथ, थर्ड है ये मोहम्मद अनवर की, ये भी ध्यान रखिएगा, ये 79 मार्क्स इनको मिले हैं और थर्ड रैंक, और 79 मार्क्स के साथ ही देखिए, ये ध्यान रखने को इसलिए मैं बोल रहा हूँ
कि एक ही मार्क्स पे कई लोग हो जाते हैं, और 79 भी श्रीकांत जी ने भी प्राप्त किया है, तो इनकी भी थर्ड रैंक हो जाएगी। उसके बाद में संजीव तिवारी हैं, संजीव तिवारी को 72 मार्क्स के साथ फोर्थ रैंक आई है। कंचन त्रिपाठी, इनकी फिफ्थ रैंक है। सुधा सिंह की फिफ्थ रैंक है। वीर बहादुर वर्मा की फिफ्थ रैंक है। ये सब पांचवें रैंक पर हैं, ठीक है ना, ये सब पांचवें रैंक पर हैं। और वीर बहादुर वर्मा के बाद में 64 मार्क्स के साथ रश्मि द्विवेदी, ये छठे रैंक पर है। मेरा नाम इसमें छोड़ दीजिए, ये टेस्टिंग हुई है, और ये देखिए कई बार टेस्टिंग हुई है। और उसके बाद में राकेश कुमार राव, सातवीं छठी रैंक है 64 नंबर के साथ इनकी भी। और श्रीकांत नवीन, ये सातवीं रैंक पर है 62 नंबर के साथ। रश्मि गुप्ता 8वीं रैंक पर है, उसके बाद में इनका 58 मार्क्स मिले हैं। और सुरभि सिंह 56 मार्क्स के साथ 9वीं रैंक पर है। और विष्णु उपाध्याय 54 मार्क के साथ 10वीं रैंक पर है। और प्रदीप कुमार 52 मार्क्स के साथ 11वीं रैंक पर। जो लगातार 3 टेस्ट में फर्स्ट रैंक सेकंड लेके आएगा, 3 टेस्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक, उसको हम पुरस्कृत करने की व्यवस्था हमने किया है। तो वो लोग अपना स्क्रीन शॉट रखे रहेंगे, ठीक है ना, और हमको सेंड कर देंगे जैसे 3 बार पूरा होगा। बाकी मैं तो देख ही सकता हूँ जब भी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।